ये तो जानते हो ना, जो कल्प पहले हुआ है वो अब वही होना है। पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करना ही है। दोनों महावाक्य साथ साथ है। जो कल्प पहले हुआ है अब वही होना है। पर क्या हुआ कल्प पहले व्यक्तिगत रूप से पता नहीं है, इसलिए हर बात में पुरुषार्थ करना है। ड्रामा में पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चे योग बल से अपने को पवित्र बना रहे हो। योग से ही आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा पूरा योगी बनना है। ये है बहुत महत्व की बात। योगी हम बने हैं, लेकिन पूरा पूरा योगी बनना है। खुद को भी एहसास हो कि मैं सच में योगी हूं। हम आधा कल्प के आशिक हैं। पूरा पूरा योगी बनने का आधार क्या है? आशिक बन जाना बाबा का। अभी हमें माशुक मिला है, वह हमको नई दुनिया में जाने के लिए लायक बना रहे हैं। कर्म भी करना है ना, जो रोल है इस दुनिया में हमारा, घर के प्रति, समाज, परिवार, देश के प्रति, वो कर्म भी करना है। पर लगन क्या लगी रहे? नई दुनिया के लिए लायक बनना है। ये सब कुछ करते हुए, अपने फर्ज अदा करते हुए, याद एक ही बाप को करना है। तुम्हारी बुद्धि में है, योग से हम अपने को पवित्र बना रहे हैं, योग से आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा योगी बनना है। फाइनल लक्ष्य बाबा पक्का करा रहे हैं। इसमें ही बड़ी पहलवानी चाहिए। पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान वो तो बाबा दे रहा है। हमारा पुरुषार्थ क्या हो? पूरा पूरा योगी बनना है। आशुक माशुक अपना धंधा धूरी भी करते हैं, माशुक को भी याद करते रहते हैं। वह आशिक माशुक विकार के लिए नहीं होते हैं, वह शरीर पर आशिक होते हैं, तब उनका गायन है। उसमें विकार की बांस नहीं होती है, इसलिए आत्मा आत्मा के उस प्यार का भी गायन है। और ये तो है उससे भी ऊंचा रूहानी आशिक माशुक। तुमने आधा कल्प मुझे पूरा याद किया है, अब तुमको आकर के मिला हूं। मनुष्य समझते हैं भगवान से मुक्ति मिलेगी। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए मुक्ति से जीवन मुक्ति भी अटैच है। मुक्ति हरेक को मिलेगी, पर तुम्हारी मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति भी अटैच है, साथ साथ वो भी मिलेगी। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। माया के बंधन से छूट जाते हैं
परमधाम जाते हैं और फिर आते हैं सतु प्रधान में। पहले सुख और सुख के पीछे दुख का कायदा है, माना उसी समय नहीं लेकिन सुख की जीवन भोगेंगे दो युग तक, उसके बाद सुख भी स्थाई नहीं रहेगा ना, फिर दुख का कायदा है। सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था है झाड़ की, जो चीज यूज होगी वो पुरानी भी बनेगी ना, तो दुख की दुनिया हो जाएगी। अब पुरानी दुनिया से ही नई दुनिया की कलम लगानी है। दैवी झाड़ का कलम लग रहा है, वो लोग सैपलिंग बनाते हैं झाड़ों आदि की, है ना, पेड़ लगाते हैं ना, उत्सव होते हैं, उनकी सेरेमनी करते हैं। तुम्हारी क्या सेरेमनी होगी? उनकी है जंगल की सेरेमनी, कि भाई जंगल सब कट गए हैं, अब फिर से जंगल उगाओ। तुम्हारी है बहिष्त की सेरेमनी, तुम कांटों को फूल बनाते हो। ये सारी संगम की बात है। अब पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, थोड़ा बहुत नहीं, आधा अधूरा नहीं, ऊपर ऊपर का नहीं। कैसा? अब पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। निरंतर याद की ही कोशिश करनी है, तुमको फायदा बहुत होगा। ऐसा अगर पुरुषार्थ तुम करेंगे, तुमको फायदा बहुत होगा, अच्छा वर्षा मिलेगा। बाबा के साथ योग अथवा पूरा लव चाहिए। तो स्पष्ट हो गया ना, बाबा के साथ योग माना बाबा के साथ प्यार चाहिए, उनसे ही विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वो योग से ही निकलती है। सारा मदार है याद करने पर, नहीं तो माया विकर्म करा देती। बाप को भूलना माना भूले करना, पाप करना। सारा मदार है याद करने पर, नहीं तो माया विकर्म करा देती है। बाबा कहते हैं जो कुछ विकर्म किया है वो बाप के आगे रख कर माफी मांग दी। इस जन्म में जो भी पाप किए हैं वो सच्चाई से बाबा को बताकर माफी मांग दी। उससे आगे के जन्मों में जो पाप किया वो योग बल से खत्म करना है, और अब नए कोई विकर्म नहीं करने हैं। बाबा सन्मुख आए हैं तो तोबा भर लो, माफी ले लो। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो बाप को पूरा लव करते। लव करने वाले ही, बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे हैं, प्यार है उसका प्रमाण क्या है? लव करने वाले ही बाप की राय पर चलते होंगे, वो श्रीमत पर चली। तुम सब सीताओं का राम एक ही बाप है, सीता की तरह मर्यादा के बाहर नहीं जाएंगे, पूरा बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। तुम तो समझ गए हो, अब औरों को समझाना है। बाकी भक्ति
तो एक प्रकार की दुकानदारी है। इतना भक्ति गिर गई है कि वो भावना श्रद्धा प्यार नहीं रहा, भगवान के साथ भी धंधा हो गया। ये करते करते ही मर जाएंगे, लड़ाइयां लगेगी, विनाश होगा, फिर कुछ कर भी नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते हैं, बच्चे भूलो नहीं, तुम सबसे जास्ती प्यारे हो, तुमको ही सबसे उच्च पद मिलता है। नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं, जो कुछ बीमारी आदि होती है, ये तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। हमारे जो हिसाब किताब है, उसमें बाबा अलग हो जाते हैं कि ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है जो तुमको चुकाना है। बाकी बाबा जो कहते हैं, उसमें बाबा कहते हैं, तुमको पढ़ना और पढ़ाना है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें गरीब शाहूकार प्रजा नौकर चाकर आदि सब बनने हैं। जो बादशाह बनते हैं, जरूर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। मतलब कोई भी अच्छी पोजीशन पर है, माना उसने अच्छे कर्म किए हैं। श्रीमत पर चलते हैं तब अच्छा पद पाते हैं। बड़ा भारी स्कूल है, नंबरवार मर्तबे हैं, कोई बैरिस्टर लाख रुपया कमाते हैं, कोई बैरिस्टर 500 भी नहीं कमाते हैं। मतलब जैसी पढ़ाई ऐसा मर्तबा। तो कहेंगे तकदीर, पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ सकते हैं तो कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर ऐसी है। पढ़ाई के अनुसार ही पद पाएंगे। आगे चलकर क्या होगा? आगे चलकर कल भी बाबा ने कहा था, तुमको पूरा पूरा साक्षात्कार होता रहेगा। कहेंगे तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की, तुम पढ़े नहीं, अब तो सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर की सजाओं का साक्षात्कार होता है। इसका अर्थ क्या? जन्म जन्मांतर की सजाओं का साक्षात्कार होता है। कर्मातीत अवस्था में जाना है तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार करते रहेंगे, ऐसे ऐसे किया है, उसकी ये सजा है। तो वो है जन्म जन्मांतर के सजाओं का साक्षात्कार। सजाओं का भी साक्षात्कार कराते हैं। अभी तुम जानते हो, हम आत्माएं बच्चे हैं, भक्ति मार्ग में माशुक के आशिक थे, अब तो वो मिल गया है। इस माशुक से अब हमें क्या मिलता है? हमारे आधा कल्प के प्यार का फल तो मिला कि माशुक मिल गया,
अब उनसे क्या मिलता है? ओहो, वो तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते। तुम अब बाप और वर्से को जान गए हो, इसलिए बाबा समझाते हैं, कोई भी मिले तो समझाओ तुमको दो बाप है, एक हद का दूसरा बेहद का। बेहद के बाप से 21 पीढ़ी सुख का वर्षा मिलता है। रावण के राज्य में दुख ही दुख है, इसलिए बाबा को याद करते हैं कि हे दुख हरता सुख करता आओ। कितनी सहज बात है, नहीं सिर्फ ब्रह्मा का मुख देख, माने ज्ञान बहुत सहज है, सामान्य विवेक से भी समझ सकते हैं। सिर्फ ब्रह्मा का मुख देख मनुष्यों का माथा खराब हो जाता है, उनको ये समझ में नहीं आता कि ये ब्रह्मा कैसे है, क्योंकि उसने तो शस्त्र भुजा देखी, चतुर्मुखी ब्रह्मा देखा, तो वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। प्रजापिता कोई तो होगा ना, भगवान ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं तो कोई तो ब्रह्मा बनेगा ना, नहीं तो कहां से लाएंगे, बीके का प्रूफ देंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्थापना का कार्य कर रहे हैं तो उसका पिता ब्रह्मा ही कहा जाएगा ना। हम बीके बाप के पास बैठे हैं, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ हैं, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ होगा। तो बाबा कहते हैं कि माया तुमसे बहुत लड़ेगी, बाबा को याद करने नहीं देगी, माया लड़ेगी, तूफान लाएगी, इसलिए खबरदार रहना। माया तुम्हारा बाप से मुख मोड़ने का पुरुषार्थ करेगी, परंतु तुमको मोड़ना नहीं है, मुख मोड़ना नहीं है, माया के तरफ नहीं देखना है, पीछे मुड़ मुड़ करके बीती बातों को देखना नहीं है, तुमको आगे ही आगे चलना है, बाबा कहे वो देखना है। तुम्हारे पैर हैं नरक की तरफ, माना तुम्हारी लात है नरक की तरफ और मुख है स्वर्ग की तरफ। इसका अर्थ अब वैकुंठ में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। मुख्य सार, पहला पॉइंट, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लव रखना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। दूसरा पॉइंट, कोई भी विघ्न या आपदाएं आए लेकिन बाबा से मुंह नहीं मोड़ना है।
विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। वरदान है बाबा का, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले, खुशियों के खजाने से संपन्न भव, संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है, इसलिए कुछ भी हो जाए भल यह शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी के खजाने को नहीं छोड़ना। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना तो उदासी को तलाक मिल जाएगी। धंधे धोरी में भल नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर न आए, क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे ये क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। स्लोगन है, मास्टर दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। ओम शांति।